जी मैं आज आया हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है। तो आज जो मुझे जलालत पेश आई है यहाँ पे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आया, मैंने फॉर्म लिया, ठीक है, बी कॉम की डिग्री लेनी थी, डिग्री के लिए फॉर्म लिया, उस सबको फिल किया, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह लगवाई, ठीक है, और सारा फॉर्म फिल किया, पिक्चर्स लगवाई, अपने थंब वगैरह लगवाए, ठीक है, और थंब लगवाने के बाद अपने जो जितनी भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है सबकी कॉपी करवाई, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं उस डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करवाई, अटेस्टेशन के बाद फॉर्म की अटेस्टेशन करवाई, पिक्चर्स बनवाई, ठीक है, पिक्चर्स बनवाने के बाद यहाँ पे आया तो उसको सबमिट करवाया। वो चूँकि मेरी 2016 की डिग्री थी, वो उसके कोई चार्जेस नहीं लगे, वो बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए क्योंकि एक्यूरेट था, ठीक था। उसके बाद जब मैंने वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना था, तो उसके लिए दोबारा से एक फॉर्म दिया, 30 रुपये का, हर फॉर्म के चार्जेस रखे हुए हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं अब पीछे वाले। तो इसके बाद फिर क्या कहते हैं उसको फिल किया, उसको फिल करने के बाद जनाब रिस्ट्रिक्शन ये थी कि जी आपने डॉक्यूमेंट को ऊपर क्यों लगाया, नीचे क्यों लगाया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। इसके बाद पिक्चर्स वगैरह लगवाई, ठीक है जी, और चलान वगैरह जमा करवाया 1750, ठीक है जी। वो जमा करवाने के बाद फाइनली फिर जो ऑफिसर है वो गपशप मार रहा है, कभी इधर ये वो बात सुनी नहीं रहा, मतलब प्रॉपर काम नहीं कर रहे ना, लाइनों में खड़ा किया हुआ है, और कहीं किसी और तरफ घरों घर के काम कर रहे हैं, जो कैंडिडेट है उनकी सुनी नहीं जा रही, ठीक है। बहुत मसले मसाइल है पंजाब यूनिवर्सिटी में, बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। इसके बाद हमारे कच्चे जाने वाले थे, उन्होंने कहा जी के आप ले आइएगा और रसीद ले आइएगा, जो सबमिट होने के बाद एक डायरी नंबर मिलता है वो ले आइएगा, हम आपका काम कर लेंगे। उन्होंने नंबर वगैरह लिख दिया था, ईद के बाद कॉल कर लीजिएगा, तो मैं भी कॉल करूँगा, ईद के बाद इंशाल्लाह मेरा काम हो जाएगा। तो ये था प्रोसेस कि डिग्री कैसे ली जाती है और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे दी जाती है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और ये इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे, और मैं भी निकलने लगा हूँ, फिर इंशाल्लाह बात करूँगा। आज मैं हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एक स्टैंडर्ड है वो है भी काफ़ी अच्छा दूसरी यूनिवर्सिटियों के एज़ कंपेरेटिवली, नस्बत इसका काफ़ी अच्छा है, उसका स्टैंडर्ड का मैार कह लो, बट उसके जो स्टाफ है वो बहुत ही बदतमीज़ और बहुत ही एक तो फारसी का स्थिति में बिल्कुल भी बात नहीं सुनते, और मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है, अगर डिग्री का टाइम है ना एक साल के अंदर मिलनी है या एक महीने के अंदर मिलनी है, तो ऐसे जानबूझ के कहेंगे जी ये 2 माह के अंदर मिलेगी, आपका ड्रेस नहीं ठीक, आपने पिक्चर नहीं सही लगाई। और मैंने आज एक वहाँ पर चीज़ नोट की, एक लड़की ने 2 फॉर्म के 2 पेपर होते हैं, एक फॉर्म पे पिक्चर लगती है फिर दूसरे फॉर्म पे पिक्चर लगती है, उस लड़की ने क्या किया, एक फॉर्म पे कोई और पिक्चर लगा दी, मतलब कोई पुराने वाली अपनी और एक कोई नई वाली लगा दी। तो वो लड़कियों के तो उन्होंने ऐसे फॉर्म एक्सेप्ट किए जैसे वो पता नहीं इनकी कोई मशहूर थी या इनकी कोई रिलेटिव थी, कोई इनकी कोई बहुत ही करीबी जानवर। तो जो लड़कों के साथ ज़्यादा करते हैं वो मैंने पहले भी आपको शेयर कर दिया पहले वाले पार्ट में, पहले हिस्से में, तो ये बहुत ही जनाब
ऑफर भी है, फोन पर बात करके छोटे से वो है और ये है कि मैं अभी निकलने लगा हूँ यहाँ इन शाला मैं बात यहाँ से बात करता हूँ जब तक अल्लाह।